जय श्री कृष्ण। नेतृत्व निर्माण के और व्यक्तिमत्व विकास के अनेक पुस्तक पिछले कुछ दशकों में हमें देखने मिले, लेकिन 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने नेतृत्व निर्माण के जो मंत्र अर्जुन को दिए वो अद्भुत है। किसी भी व्यक्ति को यदि नेतृत्व करना है तो उसे कुछ तप करना पड़ता है, और उन तपों में एक महत्वपूर्ण तप भगवान श्री कृष्ण ने बताया, वाणी का तप, जिसको वांग्मय तप नाम से जाना जाता है। भगवान कहते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितं चयत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वांग्मयं तप उच्यते। अनुद्वेग करम का मतलब है जिससे किसी का उद्वेग नहीं होगा, जिससे किसी के मन में क्रोध की भावना नहीं जगेगी, ऐसे वचन बोलने चाहिए। सत्यम प्रिय हितं चयत्, यह बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है कि सत्य भी होनी चाहिए वो बात, लेकिन वो बात बड़ी प्रिय भी होनी चाहिए और हितकारी भी होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ स्वाध्याय भी आवश्यक है। ऐसा जो काम करेगा वो अपने आप वांग्मय का तप करेगा और आगे बढ़ेगा। एक बड़ी प्यारी कहानी मैंने पढ़ी थी। एक बड़े साहूकार थे, और वह साहूकार अक्सर अपना भविष्य जानने के लिए किसी ज्योतिषी को बुलाया करते थे। उन्हें पता चला कि एक बड़े विद्वान ज्योतिषी उनके गांव में आए हैं। उन्होंने उस विद्वान ज्योतिषी को अपने घर बुलाया, अपना हाथ दिखाया। जैसे ही रेखाएं देखी गई, उस भविष्यवेत्ता के चेहरे पर चिंता की लकीरें छा गई। साहूकार ने पूछा, बात क्या है, क्या मेरा भविष्य कुछ गड़बड़ है? तो उस भविष्यकार ने, उस ज्योतिषी ने कहा कि आपके जीवन में बड़ी दर्दनाक घटनाएं घटने वाली है। आपके जीते जी आपका पूरा परिवार मर जाएगा, और यह सारा दुख आपको सहना पड़ेगा। यह भविष्यवाणी सुनकर वो साहूकार बड़े क्रोधित हुए, और उन्होंने उस ज्योतिषी को घर से निकाल दिया। कुछ दिनों पश्चात एक दूसरा ज्योतिषी वहां पहुंचा, और जब दूसरे ज्योतिषी ने साहूकार का हाथ देखा तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। साहूकार ने पूछा, क्या बात है, आप बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो। ज्योतिषी ने कहा कि आप बड़े दीर्घायुषी हैं, आपके परिवार में आप सबसे ज्यादा दीर्घायु लेकर आए हैं, आप बहुत सालों तक जिएंगे और बहुत सुख का उपभोग भी करेंगे। बात वही थी, सबसे ज्यादा जिएंगे, परिवार में दीर्घायु बनेंगे, ये बात वो ही बात थी जो पहले ज्योतिषी ने भी बताई थी। सिर्फ पहले ज्योतिषी के कहने की जो पद्धति थी वो नकारात्मक थी, वो अप्रिय बात कह गए। उन्होंने कहा कि सब लोग तुम्हारे परिवार के मर जाएंगे और तुम्हें वो दुख देखना पड़ेगा, और दूसरे ज्योतिषी ने कहा कि तुम सबसे ज्यादा जियोगे, दीर्घायु बनोगे। बात एक ही, लेकिन कहने की पद्धत अलग थी। बात सत्य थी, बात हितकारी भी थी, लेकिन केवल अनुद्वेग करम वाक्यम, जिससे उस साहूकार के मन में उद्वेग पैदा हो, ऐसी बात पहले ज्योतिषी ने कही, तो उसे अपमान सहकर घर से निकलना पड़ा। और दूसरे ज्योतिषी को इस साहूकार ने बड़ा पारितोषिक और इनाम दिया। हमें बात ऐसी ही करनी चाहिए जिससे दूसरों के मन में क्रोध पैदा ना हो। कई बार ऐसा होता है जब हम मीटिंग्स में बैठते हैं, जब हम किसी सभा में, किसी बैठक में होते हैं, उस समय उस बैठक के कोई सदस्य बड़ी कड़वी बात कह जाते हैं। ऐसे समय पर उस कड़वी बात के मतितार्थ को समझना भी आवश्यक होता है, और उसके लिए स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। यदि हम किसी ऐसे बैठक में हो तो हमें वो बात इस प्रकार कहनी चाहिए कि वो शर्करा वगुंठित हो। पाश्चात्य व्यवस्थापन पद्धति में एक नया थ्योरम बताया गया जिसे 3K सिस्टम ऐसा जाना जाता है। 3K का मतलब होता है किस, बीच वाले K का मतलब होता है किक, और तीसरे K का मतलब है किस। अपनी बात ऐसी बताओ जिसमें पहला वाक्य हमारा प्रिय हो, किस। दूसरा जो बीच वाला वाक्य है उसमें हमारी बात रखो, और जो चीज गलत हो गई है उस पर दिशा निर्देश करो।
क्या गलत हुआ है ये बताओ, कौन गलत हुआ है ये कभी मत बताना। और फिर अपनी बात रखने के पश्चात तीसरी बात, किस यानी फिर एक बार अच्छे से प्यार से कुछ स्तुति पर बात कहके काम कैसे अच्छा चल रहा है ये भी बताओ। और फिर मेरी सूचना, केवल काम और अच्छा चले इसलिए है ये कहने को भी ना भूलना। जब ऐसी बात करना हम सीख जाएंगे तो हमारी बैठकें बहुत अच्छे ढंग से हो पाएगी और हमारा समूह, हमारी संस्था, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा विजय की दिशा में। आइए आगे बढ़ते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।